कुल्लू प्रकृति की गोद में बसा हिमाचल प्रदेश का एक छोटा खूबसूरत और लोकप्रिय पर्यटन स्थल है और ये शीतोष्ण हिमालय क्षेत्र के अंतर्गत आता है, इसलिए यहाँ भीषण ठंडी पड़ती है। जैसे कि आप जानते ही हैं कि ठंडी से बचने के लिए ऊनी कपड़ों की आवश्यकता पड़ती है। यही कारण है कि यहाँ के लोग भेड़ों को पालते हैं और उनके ऊनों से ऊनी कपड़ों का निर्माण करते हैं। इंडिया हैंडलूम वस्त्र मंत्रालय भारत की एक अनोखी पहल है। इंडिया हैंडलूम ब्रांड का उद्घाटन श्री नरेंद्र मोदी माननीय प्रधानमंत्री के कर कमलों द्वारा दिनांक 7 अगस्त 2015 को किया गया। इस ब्रांड को इस उद्देश्य के साथ लॉन्च किया गया ताकि अच्छी किस्म के हथकरघा उत्पादों को आप तक पहुंचाया जा सके। इंडिया हैंडलूम ब्रांड अच्छी किस्म के जीरो इफेक्ट जीरो डिफेक्ट ऑथेंटिक ट्रेडिशनल वाले हथकरघा उत्पादों को बढ़ावा देने में अहम भूमि निभा रहा है। ब्रांड अपनी लॉन्च से ही हथकरघा उत्पादों से संबंधित कच्चे माल, संसाधन, सजावट, बुनाई, डिजाइन और गुणवत्ता के अन्य मापदंडों और सामाजिक तथा पर्यावरण संबंधी मानदंडों के अनुपालन के बारे में आश्वस्त कर रहा है। इंडिया हैंडलूम श्रेष्ठतम हथकरघा ज्योग्राफिक इंडिकेशन GI के तहत आने वाले उत्पादों को आप तक पहुंचा रहा है। यह आप तक ऐसे हथकरघा उत्पादों को ला रहा है जो गैर कैंसरकारी और सुरक्षित डाइस का प्रयोग करके बनाया गया है। इससे ना तो पर्यावरण पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और ना ही पहनने वालों को कोई नुकसान पहुंचता है। इंडिया हैंडलूम आपके लिए कई हथकरघा उत्पादों का निर्माण करता है, जिसमें साड़ियां, ड्रेस मटेरियल्स, बेडशीट, स्कार्फ और कुल्लू शॉल जैसे विभिन्न किस्मों के ब्रांडेड हथकरघा उत्पाद शामिल हैं। कुल्लू शॉल भेड़ की ऊन से बनाए जाने वाले शॉल के लिए भी पूरी दुनिया में विख्यात है। इसकी डिजाइन, कलर, पैटर्न और मजबूती काबिले तारीफ है। शॉल के अलावा यहाँ जैकेट, ब्लैंकेट, स्कार्फ, टोपी, रुमाल और गुलबंद का भी निर्माण किया जाता है, पर सबसे अधिक मात्रा में यहाँ के कुशल कारीगरों द्वारा अद्भुत और बेमिसाल शॉल का निर्माण किया जाता है। आश्चर्य की बात तो यह है कि यह सारी चीजें हाथों द्वारा बनाई जाती हैं। उनके द्वारा बुने जाने वाले शॉल की डिजाइन और पैटर्न को देखकर आपको अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होगा कि इतनी अद्भुत और अकल्पनीय चीज का निर्माण हाथ से किया जाता है। कुल्लू के ऊनी कपड़ों का इतिहास बहुत ही पुराना है। शुरू में अपने आप को भीषण ठंड से बचाने के लिए कुल्लू के निवासी 18 इंच से 20 इंच या 22 इंच चौड़ी पट्टियां बुनते थे। इन पट्टियों के माध्यम से ही ये लोग अपने आप को कड़ाके की ठंड से बचाते थे। पुरुष इस बुनी हुई पट्टी से कोट और पजामा बनाते थे और महिलाएं खुद के लिए पट्टू बनाती थी। पट्टू एक प्रकार की पोशाक है जो सिर्फ आपको कुल्लू में देखने को मिलेगी। आजादी के पहले अर्थात 1936 तक पट्टुओं को पिटलूम पर बनाया जाता था। उसके बाद भारत के अन्य हिस्सों की तरह कुल्लू के बुनकर भी फ्रेम लूम का इस्तेमाल करने लगे। वक्त गुजरता गया, कुल्लू के बुनकर भी समय के साथ चलते रहे और आज कुल्लू के बुनकर अपने हाथों की जादूगरी से ऐसे ऊनी कपड़े का निर्माण करते हैं जो भीषण ठंड से बचने के अलावा फैशनेबल और स्टाइलिश भी होता है। कुशल बुनकरों द्वारा बनाए गए शॉल कई आकर्षक डिजाइनों और रंगों में दुनिया के हर बाजार में उपलब्ध हैं। अब यहाँ के बुनकर सिंगल और मल्टीपल डिजाइन के अलावा ज्योमेट्रिकल और फ्लोरल डिजाइन वाले शॉलों का निर्माण करते हैं। इनके चमकीले रंग क्षेत्र की समृद्धि, विविधता और विशिष्टता का प्रतिनिधित्व करते हैं। कुशल कारीगरों द्वारा बनाए गए ये शॉल मशीन की तुलना में ज्यादा लाजवाब और टिकाऊ होते हैं। कुल्लू शॉलों को ज्यादातर 3 प्रकार के ऊनों से बनाया जाता है, जिसमें मरीनो ऊन, अंगोरा ऊन और लोकल शीप शामिल हैं। और अधिक वैरायटी के लिए कभी कभी इन ऊनों को एक साथ मिक्स करके बनाया जाता है। डिजाइन पैटर्न की बात करें तो अधिकतर शॉलों को ज्योमेट्रिक आकार में बनाया जाता है
और कुछ शॉलों में फूलों की डिजाइन निकाली जाती है। लगभग 20,000 से अधिक लोग बुनाई कढ़ाई के इस कारोबार से जुड़े हुए हैं और यही यहाँ के लोगों के जीवन व्यापन का मुख्य साधन है। कुल्लू में लगभग 6,500 से अधिक हैंडलूम हैं, जो 12 महीने शॉल और अन्य चीजों का निर्माण करते हैं। अब मैं आपको वह बात बताने जा रहा हूं जिससे आप अब तक अनजान हैं। आप ये बात जानकर वाकई में आश्चर्यचकित होंगे कि कई बार आप कुल्लू शॉल खरीदने के चक्कर में नकली शॉल खरीद लेते हैं। अगर आप कुल्लू या किसी अन्य बाजार में कुल्लू शॉल खरीदने जाते हैं तो एक बात का विशेष रूप से ख्याल रखें। आपको आकर्षित करने के लिए वैसे तो कुल्लू बाजार में तमाम रंग बिरंगे शॉल उपलब्ध होते हैं, पर उनमें वह बात नहीं होती जो हाथों से बने कुल्लू के शॉलों में होती है। आइए कुल्लू शॉल को पहचानने का सबसे आसान तरीका हम आपको बताते हैं। कुल्लू शॉल थोड़ा मोटा होता है और उसकी डिजाइन दोनों तरफ से होती है। जब भी कुल्लू शॉल खरीदें, इस बात का विशेष रूप से ख्याल रखें। लुधियाने में जो शॉलें बनती हैं, वो एक सिंथेटिक मिक्स होता है जो कि बुलन के साथ मिक्स करते हैं, जिसका बुल का कॉस्ट जो वो लो हो जाता है। उसके बाद जो वो पावर में बनाते हैं, वो उसका लेबर चार्जेस भी कम हो जाता है। और जेकार्ड में बनता है जिसमें डिजाइनिंग बनता है, जैसे कि कुल्लू शॉल का सेम डिटो कॉपी करते हैं, इसलिए जो वो यहाँ ला करके बेचते हैं तो सस्ता पड़ता है। प्योर बुल का होने के वजह से ही थोड़ा महंगा नज़र आता है, लेकिन गर्म ज़्यादा होता है, क्वालिटी में अच्छा है, सुपीरियर है। जो एक बार कोई शॉल लेकर के जाता है तो उसका क्वालिटी जो वो देख करके जो वो बार बार जो वो हमारे यहाँ से परचेज करने के लिए आते हैं। आप जब भी कुल्लू शॉल खरीदें, यह जरूर जांच लें कि उसकी डिजाइन दोनों तरफ से हो। अच्छी गुणवत्ता वाले कुल्लू शॉल को पहचानने का सबसे आसान तरीका यह है कि ऊन पर इंडिया हैंडलूम ब्रांड का लेबल लगा हुआ होना चाहिए। अपने उज्जवल भविष्य के लिए मनाली, कुल्लू और स्पीति की हिमालय घाटियों में रहने वाले बुनकर कुल्लू ऊनी शॉल और ओढ़नी बनाने की अपनी पुरानी परंपरा को हमेशा के लिए संजोकर रखने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। आइए हम भी उनके इस सहयोग में साथ दें, ताकि सदियों से चली आ रही इस परंपरा को हमेशा के लिए सजोकर रख सकें।